हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज अब जो आप देख रहे हैं ये TVS बाइक का है सिलेंडर, और ये पिस्टन देख रहे हैं आप। ये पिस्टन जो है हमारा साइज जो है वो 25 का निकला है, और 25 का निकला है। तो अब हम इसमें सिलेंडर चेंज करेंगे या बोर कटाएंगे उसके बारे में मैं आज आपको बता दूं। अब देखते हैं कि जब हम पिस्टन को जब दोबारा इसमें डालेंगे तो हमारा कटिंग जो होता है, ये चीज़ जो हम इसमें क्या करेंगे जो कि हमारा माइलेज अच्छा रहेगा और प्लस में मेरी गाड़ी अच्छी चले और धुआं काफ़ी दिन ना मारे, तो उसके लिए ये वाला जो है हमको स्लिप चेंज करना पड़ेगा। यह हम इसमें पिस्टन बोर करा दें। कहने का मकसद है कि अगर हम पिस्टन भी बोर कराते हैं तब भी चलता है, सिलेंडर बदलेंगे तब भी चलता है। बहुत सारे मिस्त्री भाई बोलते हैं क्या सीधा सिलेंडर बदल दो, तो मैं आज आपको बता दूं कि जब हम सिलेंडर पूरा बदलते हैं तो हमारा ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन तो हमारा क्या, ये काफ़ी लूज रहता है, इस तरह से गिर जाता है उसका। और जब हम यही पिस्टन नया लेकर बोर कराते हैं और उसके बाद जब हम इसमें सिलेंडर में डालते हैं तो वो थोड़ा टाइट डलता है, तो उससे क्या होता है काफ़ी दिन तक गाड़ी में आवाज़ नहीं आती है। जो ये गजन पिन है, इसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं, तो इसमें क्या है आवाज़ नहीं आता है। और ये आवाज़ जो करती है टिक 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 की जो आवाज़ करती है वो यही पिन करती है, और ये पिन तब करती है जब हमारा पिस्टन इस तरह से लूज हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर बोर करके भी चलाना चाहते हैं तो तब भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सिलेंडर चेंज करते हैं तब भी गाड़ी चलेगी। और मैं अब दोनों में से आपका आयु बता दूं कि अगर आप सपोर्ट डेट सिलेंडर को आप बोर करवाते हैं तो कितना दिन चलेगा, और सिलेंडर को बदलेंगे तो कितना दिन चलेगा। देखिए, सिलेंडर डालने के बाद क्या है, खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और प्लस में वो चलने का भी ज़्यादा दिन चलेगा। और पिस्टन को बोर कराते हैं तो ये भी चलेगा। तो कहने का मकसद है क्या, जैसे कि आप अगर जो करना हो आपको, चाहे सिलेंडर चेंज करोगे तब भी बाइक चलेगी, पिस्टन लगाओगे तब भी बाइक चलेगी, सिर्फ इसका रिंग चेंज करोगे तब भी बाइक चलेगी। तो आपको जैसा अमाउंट कस्टमर देते हैं आप उस तरह से काम करें। ऐसा नहीं होता कि हम रिंग चेंज करेंगे तो बाइक नहीं चलेगी, धुआं नहीं रुकेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम सिलेंडर डालेंगे तभी धुआं रुकेगी, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई सारा भाई सोचते हैं कि मैं पिस्टन बदलूँगा तभी, मतलब बोर कराऊँगा तभी धुआँ रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिंग बदल के भी धुआँ रोक सकते हैं, पिस्टन को बदल कर भी धुआँ रोक सकते हैं, स्लिप करवा कर भी धुआँ रोक सकते हैं, सिलेंडर चेंज करके भी धुआं रोक सकते हैं। तो जैसा आपको अमाउंट मिलता है आप उसी हिसाब से काम कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि हम इसको चेंज करेंगे पूरा ब्लॉक को तभी हमारा काम होगा, ऐसा कोई बात नहीं मेरे दोस्तों। तो आपको जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है और आप काम करते हैं इंजन खोलने के बाद, तो आपको जैसा कस्टमर मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा 1000 रुपये में कर दो, तो आपको रिंग चढ़ा के काम करना है तब भी धुआँ 6 से 8 महीने के बीच रुक जाता है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट मिलता है 2500-3000 तो आप पिस्टन बोर करा सकते हैं। और 5000 के लमसम अगर आपको पैसा अमाउंट कस्टमर खर्च कर रही है बाइक में तो आप पूरा ब्लॉक चेंज कर दो। अगर उससे ज़्यादा 10000-12000 एवरेज के बीच अगर कस्टमर खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पूरा फुल इंजन बनाना है, क्रैंक के बीच रिटर्निंग रिपेयर कराना है, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक चेंज करना है, तब होता है जेन्युइन काम। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैसा कम मिलेगा तो आप कहाँ से सिलेंडर बदलिएगा। तो इसी तरह से आपको काम करना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट प्यारा सा कर देना और एक लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।